दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस नेल कटर में इस गोली सी चाकू जैसी दिखने वाली चीज का नाम क्या होता है? टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों होता है और इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये तीन स्टार्स क्यों बने होते हैं? अब क्योंकि हम में से अधिकतर लोग रोजाना अक्सर ऐसी कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहे। फैक्ट नंबर 15, जींस की सबसे छोटी पॉकेट। दोस्तों, जींस में बनी हुई छोटी सी पॉकेट को फिफ्थ पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इस पॉकेट में कॉइन्स, बस के टिकट वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जींस में बनाने का असल पर्पस तो पॉकेट वॉचेस को संभाल कर रखना था। दरअसल 18th सेंचुरी में जींस गोल्ड माइनर की फेवरेट पेंट हुआ करते थे और उस समय सबसे कीमती चीज जो वो अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉच। इस फिफ्थ पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेफ रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक जींस में ये फिफ्थ पॉकेट बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 14, सोडा कैन के पॉप टैप पर बना हुआ छोटा सा होल। सोडा कैन के ऊपर बने हुए पॉप टैप से आप कैन को आसानी से ओपन कर सकते, लेकिन क्या आपको पता है कि पॉप टैप पर बनी हुई इस छोटे से होल का क्या पर्पस होता है? दरअसल ये होल कैन के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह से आप किसी फ्रूटी में स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक उसी तरह कैंस में भी स्ट्रॉ डालने के लिए ये छोटा सा होल बना होता है। फैक्ट नंबर 13, टूथपिक के ऊपर हिस्से पर बनी हुई डिजाइन। आप लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर डिजाइन क्यों बनी होती है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं होती, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल करे जाने वाले हिस्से को भी टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है, ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो जाए तो उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। फैक्ट नंबर 12, जींस में लगे हुए छोटे छोटे मेटल्स के बटन। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपकी जींस में साइड पर लगे हुए बटन सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना एक पर्पस होता है। इन मेटल्स के बटन्स को उन जगहों पर लगाया जाता है जहां से जींस के फट जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जींस की पैंट का चलन शुरू हुआ था तब ये पैंट वर्किंग क्लास जैसे लेबर्स, माइनर्स और फार्मेसी की पसंदीदा पैंट बन गई थी, लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से पैंट के फटने के ज्यादा चांसेस होते थे, इसलिए पैंटों को फटने से बचाने और उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बटन्स जींस में लगाए जाते थे। फैक्ट नंबर 11, पैंट्स के कैप में बना हुआ छोटा सा होल। पैंट्स के कैप में बना हुआ छोटा सा होल, बचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा तब से आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि पैंट्स की कैप में छोटा सा होल क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैंट की कैप पर बने हुए इस होल का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पैंट के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और तो और डेथ भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा बाय चांस कैप निकल भी लेता है तो कैप्स में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये इस होल को प्रिवेंटिव मीजर्स की वजह से बनाया गया है। फैक्ट नंबर 10, टीवी एंटीना का डायरेक्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है आपके टीवी एंटीना की फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों, टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हैं, हमें टीवी पर वीडियोस की फॉर्म में दिखाता और इस सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजती है और आपके साथ खुद भी रिवॉल्व्स यानी कि घूमती रहती है। फैक्ट नंबर 9, जूते की साइड पर बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। हम सभी बचपन से जूते पहनते आ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके जूते में साइड की तरफ से दो होल्स बने होते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि ये होल्स फैशन के लिए या एयर फ्लो के लिए होता है, लेकिन असल में इन होल्स का भी एक अहम पर्पस होता है। ये दो होल्स भी बाकी के होल्स की तरह लेसेस को बांधने के लिए लोग अपने साइज के हिसाब से जूते के होल्स की मदद से बांध सकते हैं, जिसमें उन्हें जूते का बेहतर फिट मिल जाता है और रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फैक्ट नंबर 8, नोटबुक में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स। आप लोगों ने अपनी कॉपीज में बने हुए साइड वाले मार्जिन्स को देखा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मार्जिन्स पॉइंट्स नंबर डालने या टीचर्स के रिमार्क से लिखने के लिए होते हैं, लेकिन असल में ये मार्जिन्स आपके काम को खराब या फटने से बचाने के लिए होते हैं। पुराने जमाने में पर्स को अक्सर चूहे खा लेते थे या फिर गीला होने की वजह से पेपर्स खराब हो जाते थे। ये मार्जिन्स पेपर्स में तभी से बनाए जा रहे हैं, बाकी अगर चूहे साइड से भी खा ले तो बीच में लिखा हुआ काम खराब या फट ना जाए। फैक्ट नंबर 7, कीबोर्ड की लेटर्स की अरेंजमेंट। आप लोगों ने कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट तो देखी होगी, कि आप लोगों ने कभी सोचा कि अरेंजमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया था तब वो एक टाइपराइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थी, लेकिन अल्फाबेट्स ऑर्डर में होने की वजह से टाइपिंग करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई थी कि टाइपराइटर के किसकी तारे आपस में उलझना शुरू होने लगी थी। इसलिए बाद में कीबोर्ड्स के मैन्युफैक्चरर ने कीज को रैंडमली अरेंज करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी ट्रेंड में है। फैक्ट नंबर 6, कार्स में लगे हुए डीअटैचेबल हैंडसेट। ये तो लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कार्स किसी के हैंडरेस्ट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह हैंडरेस्ट आसानी से निकल तो जाता है और इसमें जुड़े हुए रॉड्स का क्या काम होता है? हो सकता है दोस्तों इन हेडरेस्ट को डीअटैचेबल बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। वो ये है कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हैं तो इस हेडरेस्ट को निकाल कर इसकी हेल्प से आप विंडो तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, आईफोन के कैमरा लेंस और फ्लैश लाइट के बीच में मौजूद एक ब्लैक डॉट। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया हो तो आईफोन के बैक कैमरा की लेंस और फ्लैश के बीच में एक ब्लैक डॉट होता है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या काम होता है? असल में एक ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है जो
वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले शोर को एलिमिनेट करता है यानी कि हटा देता है और एक साउंड क्वालिटी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। फैक्ट नंबर 4, पिज्जा के बीच में लगी हुई प्लास्टिक की एक छोटी सी टेबल जैसी दिखने वाली चीज, कभी कभार लोग जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा के बीच में एक प्लास्टिक सी छोटी सी टेबल जैसी चीज लगी होती है। असल में ये चीज एक स्टैंड की तरह काम करती है जो पिज्जा को उसके बॉक्स से दूर रखता है ताकि पिज्जा की टॉपिंग्स खराब ना हो पाए और जब आपको पिज्जा मिले तो सारे टॉपिंग्स अपनी जगह पर लगे हुए हो, ना कि पिज्जा बॉक्स के ढक्कन पर। फैक्ट नंबर 3, कीबोर्ड के F और J की इस पर उठे हुए निशान, क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड पर F और J पर उठे हुए निशान क्यों बने होते हैं? दरअसल ये निशान आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। जी हाँ, जब आपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को AS पर रखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ASD को आराम से कवर कर लेता है। ठीक इसी तरह से जब आप अपने राइट हैंड से इंडेक्स फिंगर से J पर रखते हैं तो आपके राइट हैंड J के साथ वाली कीज को कवर कर लेता है और आपके थंब्स स्पेस बार को कवर कर लेते हैं। ये उठे हुए निशान अपने आप को फील करा देते हैं कि कौन सा हाथ किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इस तरह से आपको टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड पर बार बार देखने की जरूरत नहीं होती, जिससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 2, ईयरफोन्स में बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। ये ईयरफोन्स में बने हुए होल्स तो जाहिर है कि इस स्पीकर्स का काम करते हैं, लेकिन बाकी के एक्स्ट्रा होल्स साइड में क्यों बने होते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल्स एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे स्पीकर्स का दायां फ्रेम अच्छे से मूव कर सके। इन होल्स से साउंड का ट्रांसमिशन इजी हो जाता है और साउंड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। फैक्ट नंबर 1, लैपटॉप के चार्जर में लगी हुई सिलेंडर जैसी चीज। लैपटॉप के चार्जर में चार्जिंग जैक के पास जुड़े इस सिलेंडर चीज को फेराई बीट कहा जाता है। इस फेराई बीट का लैपटॉप के सही से काम करने के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। असल में लैपटॉप का हर यूनिट रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से काम करता है और उसकी चार्जिंग केबल एक एंटीना की तरह काम करती है जो लैपटॉप के वाइब्रेशंस को रेडियो फ्रिक्वेंसी के रूप में ब्रॉडकास्ट करके इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। इस फेराई बीट में मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड होता है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को एक दूसरे से इंटरफेयर करने से रोकता है और इस तरह लैपटॉप स्मूथली काम करता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर से बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।